गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. गौरी सिंह, राहुल कुमार, आलोक कुमार सिंह, अनिल कुमार, माया, मुलायम, सारे लोग हैं क्लास में. सपा प्रमुख, बसपा प्रमुख, सब लोग. मुलायम जी भी हैं, माया जी भी हैं. चलिए, बहुत स्वागत है आप लोगों का. स्वीकार है, स्वीकार है, प्रणाम स्वीकार है. तो ये बताइए, पहले सबसे कल कहाँ ख़त्म हुआ था आपका? कई सारे बैच दिमाग में आ नहीं रहा, कल आपके बैच में कहाँ समाप्त किए थे. हमें जहाँ तक लग रहा है महान्यायवादी हम लोग कल पढ़ लिए थे, आज नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शुरू करना है. जरा बताइए तो जल्दी से, कहाँ से हम लोग को शुरू करना है? चलिए, एक मिनट, सीएजी से स्टार्ट करें ना क्लास. ठीक, बहुत सही. अच्छा, प्रिंसिपल कह रहे हम भी क्लास में, हमारा भी तो नाम ले लीजिए. अच्छा, ये कह रहे मतलब महान्यायवादी चल रहा है. महान्यायवादी हो चुका था भाई, महान्यायवादी बता दिए थे ना, कार्य एवं शक्तियां तो बता दिए थे सब. महान्यायवादी कंप्लीट हो गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बताना है. हेडिंग बनाइए सीएजी, इसको फुल फॉर्म क्या कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. इसी को बोला जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक. नियंत्रक एवं नियंत्रक एवं महालेखा महालेखा परीक्षक. आप इसको फ्लो चार्ट में पहले बांटते हैं. अनुच्छेद, उपाधि, कथन, नियुक्ति, इसी चला दीजिए, योग्यता, कार्यकाल, त्यागपत्र, वेतन, हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया. इसी प्रकार से आप लोग पढ़ने की आदत बनाइए, चाहे हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़िए उसमें से ये अंदाज़ा लगाइए, क्वेश्चन को देख देख कर, क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व करके, कि इस टॉपिक से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन उठेंगे, ऐसे बाहर निकाल लीजिए. तब किसी भी टॉपिक का ऑपरेशन करना बहुत आसान हो जाएगा. ऑपरेशन करने का मतलब है कि उस टॉपिक के उन सभी आयामों को टच कर लेना जहाँ से परीक्षा में सवाल आएगा. तो वो सभी आयाम तब टच होंगे जब इस लेवल से आप पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से. प्रीलिम्स का पढ़ने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है. लोगों के नीचे लिखें, लोगों लोगों तो ऊपर होगा ना. अच्छा, लोगों वाला छुप गया, तो जनरल लिखा है भाई,
कुमार गौतम जी, जनरल मैं तो बोल के लिखता हूँ ताकि जो कुछ भी छूटा है उसको लिख लिया करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, बोर्ड में वो लोगों नहीं दिखता ना आपको, वहाँ दिखता होगा, बोर्ड पे लोगों नहीं लिखा रहता, वो आपको मोबाइल पे लोगों दिखता होगा। अच्छा ठीक है, मैं इधर लिख दिया करूँगा, ठीक है कोई बात नहीं। अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया है, किसका? सीएजी के पद का। कथन इसके बारे में क्या कहा गया है? एक कथन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है सीएजी सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद है, सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पद है। ये कथन किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा। यह पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस पद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पदों की संज्ञा दी है? तो आंसर दीजिएगा सीएजी। ठीक है, जब सवाल पूछा जाए निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत सीएजी के पद का प्रावधान किया गया है, तो आंसर दीजिएगा 148। और सीएजी को क्या कहा जाता है? लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। जिस प्रकार से महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, वैसे ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता है? लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। नियुक्ति कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है? आंसर है नो। तब कैसे करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। क्या? मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। क्या योग्यता होती है? आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की योग्यता क्या है? तो इसका आंसर क्या है? संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में इसका उल्लेख, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। फिर भी सवाल ये उठता है कि किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी दी गई होगी कि भैया इनकी योग्यता का निर्धारण करिए। हाँ, सीएजी की योग्यता का निर्धारण करने की जिम्मेदारी संसद को दिया गया था। संसद ने कोई ऐसा प्रावधान बनाया? हाँ बनाया, सीएजी एक्ट 1971 बनाया, सीएजी एक्ट 1971 बनाया। इसी एक्ट के तहत इनकी योग्यता को बताया गया है। तो क्या कहा गया इनकी योग्यता में? कहा गया, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्षों तक लोक सेवक के रूप में, मतलब सिविल सर्विसेज के रूप में काम किया हो, जो 10 ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्षों तक लोक सेवक के रूप में कार्य किया हो, लोक सेवक के रूप में कार्य किया हो या फिर लोक वित्त का जानकार का मतलब क्या हुआ सर? अरे अकाउंटिंग का, लेखा जोखा का, ऑडिटिंग का अगर जानकार व्यक्ति है उसे भी बनाया जाता है, या फिर लोक वित्त का जानकार व्यक्ति हो, तो इसके अनुच्छेद का प्रावधान किसमें किया गया? मेरे साथ रिवीजन करिए, 148 में क्या कहा जाता है? लोक वित्त संरक्षक।
सीएजी के बारे में किसी ने कुछ कहा तो नहीं है, अम्बेडकर जी ने कहा है, क्या कहा है? सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पदों की संज्ञा दी है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। योग्यता का उल्लेख संविधान में हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इनकी योग्यता को कहाँ बताया गया है? संसद ने सीएजी एक्ट 1971 बनाया, उन्हीं के अंतर्गत इसकी योग्यता को बताया गया है। सीएजी एक्ट इनकी योग्यता के बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्षों तक लोक सेवक के रूप में कार्य किया हो, उसे सीएजी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया है तो वह लोक वित्त का जानकार व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। अच्छा, मान लीजिए एक बार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना दिया गया तो उसका कार्यकाल कितना होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में जो पहले पूरा हो, इन दोनों में जो पहले पूरा हो, वही इसका कार्यकाल माना जाता है। पहले पूरा होने का मतलब क्या है? जैसे अगर कोई व्यक्ति 62 साल में सीएजी बनेगा तो पहले 65 साल का पूरा होगा कि पहले 6 साल पूरा होगा? सर, 65 साल पूरा होने में 3 साल लगेगा और 6 साल पूरा होने में 6 साल लगेगा। इसका मतलब पहले क्या पूरा होगा? 65 वर्ष। अब उसका कार्यकाल क्या होगा? 65 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में सीएजी बन जाता है तो पहले 6 साल पूरा होगा कि पहले 65 वर्ष? सर, 65 वर्ष पूरा होने में अब उसे 10 साल लग जाएगा और 6 साल पूरा होने में उसे 6 साल लगेगा। अब उसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसलिए कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, छह वर्ष या 65 वर्ष होता है, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। क्या चल रहा है? टीम बात कर रही, मुकेश भैया जो दिक्कत होगी देख रही है टीम आपको। अब उसके बाद बात आती है कि इनका वेतन कितना होता है सीएजी का? सीएजी का वेतन उतना ही होता है जितना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, जितना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है, यानी 2.5 लाख न्यायाधीश का होता है। क्या इससे पहले ये त्यागपत्र दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। इससे पहले भी यह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे पहले इनको हटाना चाहे तो कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। अगर इनके कार्यकाल से पहले इनको हटाना चाहे तो कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। कैसे हटाएगा, ध्यान से सुनिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? क्लास में दिक्कत आ रही भैया? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर नियंत्रक एवं महालेखा, मैं हट जा रहा हूं, आराम से लिखिए। यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, ध्यान से मेरी बात यह सुन लीजिए, यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाना है तो उसको उसी आधार और उसी रीतियों के अनुसार हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो आप हमसे सवाल पूछेंगे, सर बता दीजिए, तो वो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाते समय मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है वहां बताऊंगा, लेकिन यहां मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी आधार और उसी रीतियों के माध्यम से हटाया जाता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आप लिखते रहिए, मैं साइड हट गया हूं, सारी चीजों को एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं ताकि सारे पॉइंट्स प्रीलिम्स वाले क्लियर हो जाए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सवाल पूछा जाता है। देख लीजिए भाई क्या है। पहला कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में हुआ है? 148 में। इसे क्या कहा जाता है? लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। इसके बारे में अंबेडकर जी ने क्या कहा है? अंबेडकर जी ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद
हमारे सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पदों की संज्ञा दी है, सबसे महत्वपूर्ण पद माना है। नियुक्ति करता कौन है इनकी? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इनकी योग्यता क्या होती है? इनकी योग्यता वही होती है जो सर्वोच्च न्यायालय की, सॉरी, इनकी योग्यता के संबंध में हमारे संविधान में वैसे कोई प्रावधान नहीं किया गया है, और संविधान में कहा गया है कि सीएजी की योग्यता क्या होगी इसका निर्धारण संसद करेगा। संसद ने इनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए 1971 में एक कानून बनाया जिसे सीएजी एक्ट 1971 कहा जाता है, और सीएजी एक्ट 1971 के अंतर्गत ये कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्षों तक लोक सेवक के रूप में कार्य किया हो, जो 10 वर्षों तक लोक सेवक के रूप में कार्य किया हो, या ऐसा व्यक्ति जो लोक वित्त का यानी अकाउंटिंग का जानकार व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को सीएजी बनाया जा सकता है। उसके बाद इसके कार्यकाल के लेकर सवाल से पूछा जाता है। अगर इनके कार्यकाल को लेकर सवाल पूछा जाए तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए वही इनका कार्यकाल माना जाता है। अगर इससे पहले भी सीएजी अपना पद छोड़ना चाहता है तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है, और इनको यदि संसद हटाना चाहे तो संसद उन्हीं आधार और उसी रीतियों के माध्यम से हटा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं आगे बताऊंगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या है, क्या ऐसा कार्य करता है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे विधिवेत्ता ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पदों को सबसे महत्वपूर्ण पदों की संज्ञा दे दी है। तो कमेंट करके सभी लोग बताइए भाई, नरेंद्र कुमार, इंद्रराज, गौरव कुमार गौतम और भी जितने साथी क्लास में हैं, यहां तक किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट या सारी बातें समझ में आ गई या तैयार भी हो गई, कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ वही वही सार्वजनिक धन का रखवाला, समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोगों का यही कमेंट है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं बताता हूं सीएजी के कार्य एवं शक्तियां। अगले पेज पे हेडिंग बनाइए, सीएजी के कार्य एवं शक्तियां, सीएजी के कार्य एवं शक्तियां। इनका पहला कार्य क्या है ये देखते हैं। सीएजी का कार्य है कि भारत की संचित निधि, दूसरा भारत की लोक लेखा निधि, तीसरा भारत की आकस्मिक निधि, सभी महारत्न कंपनियां, सभी महारत्न कंपनियां, इन सब का इत्यादि का, या कह सकते हैं और भी चीजें होती हैं मोटी मोटी, ये सब हैं, इत्यादि का लेखा जोखा करके केंद्र में अपनी रिपोर्ट
राष्ट्रपति को देगा, केंद्र में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राज्यों की रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को देगा और राज्यों की रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को देगा। राज्यों की रिपोर्ट वह संबंधित राज्यपाल को देगा। यहां पर सवाल यही समाप्त हो जाता है, लेकिन दो जगह रिपोर्टों को देने से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया। यहां पर इसका मतलब यह है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केवल केंद्र का लेखा जोखा नहीं करता बल्कि राज्यों का भी लेखा जोखा करता है और राज्यों का लेखा जोखा करके अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और केंद्र का लेखा जोखा करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। तो आप कहेंगे ओहो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मिलाकर बेसिकली मुंशी का काम करता है। काम तो ऐसे लग रहा है भाई, ये पैसे का लेखा जोखा करे कि कितना पैसा कहाँ से आया और कितना पैसा कहाँ से खर्चा हुआ। तो हमारे घर में जब शादी पड़ती है काम कौन करता? मुंशी जी करते हैं। तो कुल मिला के बेसिकली नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुंशी है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे व्यक्ति ने एक मुंशी को सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पदों की संज्ञा दी? ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। इतने कमजोर व्यक्ति नहीं थे अम्बेडकर जी। अगर अम्बेडकर जी ने इसे सबसे महत्वपूर्ण पदों की संज्ञा दी है तो देश के भीतर इसकी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए देखते हैं इसकी क्या भूमिका है। अब यहीं से भूमिका इसकी आगे बढ़ेगी। तो इन सब का लेखा जोखा करके सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखवाता हूं। संसद के पटल पर रखवाता है और संसद के पटल पर रखवाने के पश्चात यह रिपोर्ट किसके पास जाती है? यह रिपोर्ट जाती है लोक लेखा समिति के पास। किसके पास जाती है? एक एक क्रम को ध्यान रखिएगा, यहां से फिर इसे सवाल बनेगा। लोक लेखा समिति के पास जाती है। क्या भैया? तो संसद के पटल पर रखवाता है और संसद के पटल के बाद यह जाती है लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति क्या है मैं संसद में बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यहां सिर्फ इतना बता रहा हूं, लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। इसमें कुल 22 सदस्य रहते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य रहते हैं। इस 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से होते हैं, प्री में सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और 7 राज्यसभा से होते हैं। आप कहेंगे वो सब ठीक है सर, हम ये जानना चाहते हैं अब लोक लेखा समिति क्या करेगा इस रिपोर्ट की। बहुत धन्यवाद, आपका प्यार है आयुष सिंह। तो लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच करेगा और वह देखेगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है यह रिपोर्ट ठीक है या नहीं, या तो कोई पर्सनल अपनी कोई टीस तो नहीं निकाली जा रही, कोई जेलस तो नहीं है, ये सब कुछ सही ही बनाया गया है। इस बात का जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगा। ध्यान से सुनिएगा, लोक लेखा समिति इसकी जांच करने के बाद यह रिपोर्ट पुनः किसको देगा? ये प्री में सवाल आएगा, अभी मैं बताऊंगा सवाल क्या क्या पूछा जाएगा। लोक लेखा समिति पुनः यह रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को नहीं देगा भैया, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और लोकसभा अध्यक्ष इस रिपोर्ट को अब कहां रखाएगा? संसद में रखवाएगा। और संसद में कौन है? लोकसभा है, और कौन है? राज्यसभा है, और कौन है? मीडिया के लोग भी हैं। कौन है? मीडिया के लोग भी हैं। और वहां पर पूरी बात को पढ़ के सुनाया जाएगा, भारत सरकार के पास कितना पैसा कहां से आया,
भारत की जनता का जो पैसा है कहां कहां से कितना सरकार को प्राप्त हुआ और उन पैसों में से कितना कितना पैसा किन किन मदों में कहां कहां खर्चा किया, और मीडिया सारी बातों को नोट करेगी। दूसरे दिन अखबार के माध्यम से घर घरों तक ये खबर पहुंचेगी और जनता को भी ये जानकारी हो जाएगी, हमारे देश का पैसा, भारत का पैसा, भारत की जनता का पैसा सरकार के पास कितना आया, कहां से आया, किन किन मदों में कितना पैसा सरकार ने खर्च किया और हमको कितना बताया। और इस माध्यम से देश की सारी जो प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, इस माध्यम से सारी जानकारी लोकतंत्रात्मक देश में जनता तक पहुंचती है। और लोकतंत्रात्मक देश होने के कारण भारत में प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होगा और चुनाव के माध्यम से जनता वोट देकर के उनको सत्ता से बाहर कर देती है। ये दबाव प्रधानमंत्री पर बना रहता है, इसलिए प्रधानमंत्री को पता है, यानी सरकार को पता है कि हम अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करें, निष्ठा के साथ करें। यदि भारत देश का पैसा, भारत की जनता का पैसा का हम दुरुपयोग करेंगे, इस सीएजी की रिपोर्टों के माध्यम से क्रमबद्ध तरीके से ये बात जनता तक जाएगी और जनता अगले चुनाव में वोट न देकर हमें सत्ता से बाहर कर सकती है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, बस इतनी सी बात है, शायद सर आपको ये नहीं पता भारत जुआनों का देश है। ये तो 5 मिनट से इसका निपटारा कर देगा प्रधानमंत्री। कैसे करेगा? प्रधानमंत्री कहेगा, जैसे ही कोई व्यक्ति सीएजी नियुक्त हो जाएगा, एक दिन चाय पे बुला लेगा, कही आइए चाय पे बैठते हैं आज। फिर उससे कहेगा, हम देश के प्रधानमंत्री हैं। कहेगा, बिल्कुल, हम तो बहुत पहले से जानते हैं। कहा, शायद आपको ये पता नहीं होगा, ये जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, लोकपाल की नियुक्ति करता है। तब सीएजी पूछेगा, ये सब हमें क्यों बता रहे हो आप? बता इसलिए रहे हैं क्योंकि आप सीएजी बनाए गए हैं, और सीएजी का मुख्य कार्य होता है हमारी रिपोर्टों को बनाना, हमारे द्वारा जितने पैसे खर्च किए गए उसकी रिपोर्ट बनाना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में बहुत कुछ है, आप रिपोर्ट बनाओ, अपना काम करो, लेकिन जितना मैं बताऊं उतना ही रिपोर्ट बताना। तो सीएजी पूछेगा तो इससे हमारा क्या फायदा होगा? तब प्रधानमंत्री कह सकता है आगे चलकर राष्ट्रपति से, कहकर जो कहोगे बना दूंगा। अगर इतना आप सोच सकते हैं वहां बैठे बैठे, इतना मैं सोच सकता हूं, क्या हमारे संविधान निर्माता बेवकूफ थे? वो तो हमसे बहुत ज्यादा समझदार थे। उन लोगों ने भी ये बात सोच लिया, उनको भी ये पता था कि हम इतने बड़े पद का गठन तो कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में कहीं ऐसा ना हो जाए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और निष्पक्षता खतरे में आ जाए। कैसे खतरे में आ जाए? प्रधानमंत्री कोई लालच दे करके उनको अपने पक्ष में कर ले और सीएजी प्रधानमंत्री के लिए काम करे, न कि अपने पद के लिए। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, यानी रिटायर्ड होने के बाद, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा। यानी एक बार जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गया, दोबारा फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य सेवा में वह कार्य नहीं कर पाएगा। अब अगर प्रधानमंत्री ऐसा लालच देगा तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहेगा कि देखो भाई, वैसे जीवन में हमने बहुत पाप किया है, यह अंतिम अवसर है हमको अपना प्रायश्चित करने का, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए हम एक बार रिटायर हो गए तो आप हमको कुछ भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि हम केंद्र और राज्य के अधीन कार्य ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपना काम करो और जीवन के अंतिम समय पर मुझे अपना काम करने दो, बस ईमानदारी से काम करिए, हम भी अपनी ईमानदारी से रिपोर्ट बनाएंगे। इसलिए इन पदों की बदौलत आज भी सरकार कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का कदम नहीं उठा सकती, अगर उठाएगी तो अंजाम वही होगा जो बोफोर्स तो घोटाला में कांग्रेस का हुआ, जो 2G स्पेक्ट्रम मामले में हुआ, जो कोयला घोटाले में हुआ, जो बिहार में लालू प्रसाद का चारा घोटाले में हुआ। इन बड़ी बड़े भ्रष्टाचारों का उजागर कहां से हुआ? इसी सीएजी के रिपोर्टों के माध्यम से लोक लेखा समिति के द्वारा इसका उजागर किया गया। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि सभी संवैधानिक पदों में से सबसे महत्वपूर्ण पदों की संज्ञा किसे दी जाएगी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दी जाएगी। लेकिन इतना डिटेल में तब आपको काम आएगा जब आप मेंस में लिखेंगे। कौन सी मेंस की बात कर रहा हूं? आईएएस और पीसीएस में लिखने वाली,
समीक्षा अधिकारी के मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, समीक्षा अधिकारी का मेंस कैसे आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए कि समीक्षा अधिकारी के ऑब्जेक्टिव मेंस में कैसे सवाल पूछा जाएगा, सर वो बताइए, हमें तो वही काम आने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अब मैं आपको फैक्ट सिखाता हूं आपके परीक्षा में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, प्री में और मेंस में, ऑब्जेक्टिव नेचर के आधार पर। सवाल पूछा जाएगा पहला, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो आंसर दीजिएगा राष्ट्रपति को। सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो आंसर दीजिएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को किसे देता है, तो आंसर दीजिएगा संसद को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद किसे सौंपती है, तो आंसर दीजिएगा लोक लेखा समिति को। और कभी कभी एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लिया जाता है कि नियंत्रक सीएजी की रिपोर्टों को लोक लेखा समिति किसे सौंपता है, भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, लोकसभा स्पीकर को, या इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर दीजिएगा लोकसभा स्पीकर को सौंपता है। और एक और सवाल पूछा जाएगा कैसे, या ध्यान से देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट बना के दिया, जो लोक लेखा समिति जांच कर रही, जिस रिपोर्टों की लोक लेखा समिति जिस रिपोर्टों की जांच कर रही है, ये रिपोर्ट इनको कहां से मिली है, क्या देख रहा है ये? सर यही देख रहा है जो सीएजी ने बनाया है, जो सीएजी ने रिपोर्ट तैयार की है उसी रिपोर्ट की जांच कर रहा है वो। इसीलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का आंख ऑब्लिक कान ऑब्लिक मित्र ऑब्लिक पथ प्रदर्शक ऑब्लिक दार्शनिक ऑब्लिक गाइडर कहा जाता है। यह प्री में सवाल आएगा, गाइडर कहा जाता है। क्या सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसे लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, या दार्शनिक कहा जाता है, या गाइडर कहा जाता है, या आंख कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सीएजी को कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र पथ प्रदर्शक गाइडर या दार्शनिक कहा जाता है। इतनी बातों को आपको याद रखना है। यह था आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब सवाल सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। घोटाला होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत बड़े घोटाले ही सामने आ पाते हैं। छोटे घोटाले में बहुमत की सरकार कई बार दबा ले जाती है। देखिए आशीष जी, संविधान को पढ़ते समय इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं होना है। सिद्धांत में बहुत कुछ बताया जाएगा, व्यवहार में बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, ये दुनिया जानती है। आपको कहा जाता है कि आप सीएजी की रिपोर्टों के आधार पर जनता उसे बाहर कर सकती है, सत्ता से हटा सकती है। आज तक भारत के किसी मतदाता ने सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर मतदान किया है? हम आंसर देते हैं इंटरव्यू में कि जब कभी भी हम किसी भी सरकार का चयन करते हैं, जब हम अपना मत का प्रयोग करते हैं, तो हम नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से करते हैं। नीति निदेशक तत्वों का पालन जो सरकारें सबसे बेहतरीन तरीके से करती हैं, हम उसी को मतदान करते हैं। क्या ऐसा होता है? हम तो ये तय करते हैं दादाजी किसको वोट देते थे, पापा जी किसको वोट देते थे। हम कांग्रेसी हैं कि हम भाजपाई, हम पहले से अपने ऊपर ठप्पा लगा चुके हैं। हमने तो अपने ऊपर पहले से ठप्पा लगा लिया है, हम भाजपाई हैं कि कांग्रेसी, सपाई है या बसपाई, उसी के अकॉर्डिंग हम मत देंगे। हमें यह फर्क नहीं पड़ता कि निदेशक तत्वों का पालन किसने किया है या नहीं, कौन लोगों के लिए सही काम कर रहा है कौन नहीं, कोई कौन कट्टरता के साथ काम कर रहा है कौन नहीं, कौन धर्मनिरपेक्षता का पालन कर रहा है कौन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहा जा रहा है समय के साथ साथ हमारी लोकतांत्रिक जड़ें कमजोर होती जा रही हैं, क्योंकि व्यक्ति अब कार्यों के आधार पर नहीं, जो पार्टी का ठप्पा लग गया है उसके आधार पर मतदान कर रहा है। बात कड़वी है लेकिन बात सच है। आया समझ में भाई सब लोगों को? लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है जो सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है, जो रिपोर्ट वो बनाई है। और लोक लेखा समिति आपको फिर से पढ़ाया जाएगा सचिन शर्मा, कब? जब आपको संसद पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो इसको नोट करिए और ओके बोलिए, फिर आपको मैं लेके चलूंगा। अब कहां, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे अब इसके बाद हम लोग। सर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या भारत में लोकतंत्र बचा है? नहीं आशीष जी, लोकतंत्र बचा तो है लेकिन लोकतांत्रिक जड़ें थोड़ा कमजोर हो रही हैं।
लोकतंत्र को एक चश्मे से नहीं देखा जाता, लोकतंत्र को देखने के बहुत सारे चश्मे हैं, अलग अलग चश्मे से देखा जाता है। कभी मेंस की क्लास में मुलाकात होगी तो मैं वो सारे चश्मे दिखाऊंगा कि लोकतंत्रात्मक देश का पैमाना क्या होता है, कैसे किसी देश में यह परीक्षण किया जाए कि वहां लोकतंत्र कितना बचा है और कितना समाप्त हो गया है। लेकिन कुछ स्थितियां कमजोर हुई आशीष जी, ठीक है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर वोट देने की नीति कैसे सही होगी, अब हमारे आप जैसे युवाओं पर निर्भर करेगा कैसे सही करेंगे आप। चलिए निधि कुमारी बहुत धन्यवाद। चलिए भाई अब एक बहुत ही रोचक टॉपिक, तो कठिन टॉपिक माना जाता है सीएजी, तो बहुत कठिन माना जाता है, अगर इसको हंसते हंसते पढ़ लिया तो अब हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे प्रधानमंत्री, वहां तो मजा आएगा। हां बड़े घोटाले जितने होते हैं वही रिपोर्ट बनाता है उनकी। चलिए हेडिंग बनाइए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आपको राष्ट्रपति पढ़ाते वक्त ही तुलना मैंने कर दिया था कि राष्ट्रपति तो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन हमारे संविधान में सभी शक्तियों का उल्लेख राष्ट्रपति के लिए किया गया है, लेकिन व्यवहार में उन सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को लेकर फ्री में क्या क्या सवाल बनेंगे आगे दिखाते हैं। प्रधानमंत्री की सबसे पहले नियुक्ति, नियुक्ति के बाद कार्यकाल, कार्यकाल के बाद शपथ, शपथ के बाद त्याग पत्र। त्याग पत्र फिर उसके बाद आपको बताएंगे इनकी कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री को लेकर देखिए फ्रेंड्स, अगर बात इनकी नियुक्ति की जाए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखना है, कंसंट्रेशन भगमत करिएगा। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि भारत का राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दे। भारत का राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दे। ब्राह्मण जी कह रहे बहुत इजी वे में पता समझा दिया सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अफसोस होता है ना, आज के वर्तमान को बच्चों में एक डर ये बहुत लगता है, बच्चों का ईगो बहुत ज़्यादा हाई है, और उस ईगो पर अगर आपने वार कर दिया तो बच्चा नाराज़ हो जाता बहुत जल्दी। अब आप लोगों को पता है ना, पहली क्लास में जब मधेशिया जी, उनका शायद नाम था, शायद मधेशिया जी नहीं, शायद ऐसे कुछ नाम था, शिवानी मधेशिया, जो जिन्होंने कहा सर आप गुस्सा हो गए बहुत जल्दी, उस बच्चे ने दोबारा कमेंट नहीं किया, मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स किया, जहाँ गुस्सा आता वहाँ भी हंस देता हूँ कि कोई बच्चे को ये नहीं लगे कि सर गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन तब से उनका कमेंट ही नहीं आया, बच्चे ने ईगो पे ले लिया, आज के बाद कुछ पूछेंगे ही नहीं। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा आज आप लोगों को जीवन में कामयाब होने के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारी उम्र से 10 साल बड़े भी है, क्लास में कर रहे हैं, 40 साल 42 साल वाले भी उम्र में क्लास कर रहे हैं, हमारे बड़े भाई के रूप में भी इसमें है क्लास में। लेकिन फिर भी योग्यता और सीखने में कोई उम्र नहीं होती, और उम्र आपकी योग्यता के हिसाब से मायने भी नहीं रखती है। कोई एक व्यक्ति 25 साल में बहुत मेच्योर हो जाता है, कोई 40 साल में भी मेच्योर नहीं हो पाता। एक छोटी सी कहानी मैं सुना करके आपको कुछ सिखाना चाहूँगा कि जीवन में बहुत शीर्ष पर पहुँचने के लिए पहला मूल्य क्या है। वर्तमान युवाओं के, हम तो दिन भर में 10,000 बच्चों से ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन बच्चों का सामना होता है हम लोगों का, तो इतना मनोविज्ञान है कि बच्चों को देखने के बाद पहचान लिया जाता है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। तो हम लोग के सामने हर तरह के बच्चे आते हैं, एग्रेसिव बच्चे भी आते हैं, धैर्यवान बच्चे भी आते हैं, और हर तरह के बच्चों को देखने के बाद जो एक मूल्यांकन है वर्तमान पीढ़ी का, कि वर्तमान पीढ़ी सबसे ज़्यादा किससे बचे, तो सबसे ज़्यादा वर्तमान पीढ़ी अपने एग्रेशन से बचे, अपने ईगो को कंट्रोल करे भाई। सबसे ज़्यादा ईगो जो है, ईगो इतनी जल्दी हर्ट हो जाता है, उसको कंट्रोल करे, सबसे बड़ी ये है।
हम तो हमारा योग तो कई बार हमसे चपरासी भी हमको डांट देते हैं, अरे सर आप कुछ पता नहीं है, आप बेवजह उसमें ऐसा ऑन कर दिए। हो सकता है भाई हमें नहीं पता, हम शांत हो जाते हैं। लेकिन इस शांत होने में हमारा छोटापन नहीं है, हमारा बड़प्पन है। हमारी बौद्धिकता उनकी बौद्धिकता में बहुत फर्क है ना, हम वहां बहस क्यों करेंगे, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन यह शांत होना इस बात का प्रतीक नहीं है कि मैं कमजोर हूं, यहां शांत होने का मतलब है कि आपके पास धैर्य है, आपके पास झुकने की वो कला है, झुकने का मादा है। ये बात मैं आपसे क्यों बता रहा हूं, मैं कई दिन से तलाश इस बात कर रहा हूं। वो बच्ची जिस दिन बोली उसको मैं कमेंट कर उनके नाम की तलाश कर रहा हूं, किस दिन वो आए कि उनको ये बात कुछ पूछो। अनावश्यक सवाल था, कोई कायदे का सवाल नहीं था। धीरे धीरे आपको आइडिया लग गया हमारी टीचिंग का लेवल क्या है, हम किस तरह पढ़ाते हैं और कैसी चीजों को समझ में आएगा। और कभी आपको आवश्यकता पड़ती है हमसे कुछ पूछने की, या बगैर पूछे सब डाउट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन मैं कहानी इसलिए सुनाना चाहता हूं, जीवन में थोड़ा सरल बनिए। ईगो लेके चलेंगे तो हो सकता है कई बार अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएंगे अपने ईगो को लेकर के। जैसे अभी जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं यूपी स्पेशल पढ़ाने आऊंगा आपको एक बार। यूपी स्पेशल में मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था। जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई, तो उसी से संबंधित यह कहानी है। भारत में 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा एक मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। और जब वह 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किए थे तो उस समय भारत में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इतिहास पढ़ेंगे उस समय सामाजिक और धार्मिक और कहीं ना कहीं शैक्षणिक सुधार हो रहा था, ये सब आंदोलन चल रहे थे। ऐसे समय पर सर सैयद अहमद खान पूरे क्षेत्र में चंदे के लिए पैसा मांगते थे लोगों से कि हमें चंदा दीजिए, हमें एक शिक्षण संस्थान बनाना है जिसमें भारत के लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे और बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, जिससे भारत का विकास होगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और यह सोचते हुए चंदा मांगते मांगते एक स्थान पर पहुंचे। पहले मुजरे का बहुत आयोजन होता था और एक स्थान पर पहुंचे, एक निजाम एक मुजरे का आयोजन करा करके बिल्कुल सेज पर बैठे हुए थे और वहां पहुंचकर रंगारंग कार्यक्रम में चल रहा था। सर सैयद अहमद खान ने निजाम से कहा, मुझे कुछ चंदा दीजिए, मुझे एक विश्वविद्यालय बनाना है। निजाम कुछ तेवर में थे, उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय बनाना है, चंदा ही मांग के बनाना है, तो जो पैरों में घुंघरू बांधकर ये तवायफ नाच रही है, ये घुंघरू तुम पहनकर नाचो तवायफ की तरह, जितना चंदा कहोगे उतना देंगे आपको। अब सर सैयद अहमद खान का वो मूल्य देखिएगा और अपने जीवन में कुछ सीखिए इससे। ये कहानी यूं ही नहीं बताया गया है, ये वास्तविकता की कहानी है जिसे सीखे इतिहास से और अतीत से सीखा जाता है। सर सैयद अहमद खान ने कहा, निजाम साहब दीजिए घुंघरू, मैं पहनूंगा अपने पैरों में और नाचूंगा तवायफ की तरह आपके सामने, लेकिन मुझे चंदा चाहिए क्योंकि मुझे आने वाली नस्लों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाना है, एक शिक्षण संस्थान बनाना है, और उसे करने के लिए हम एक बार नहीं हजार बार तवायफ बन सकते हैं। इतना कहना ही था कि निजाम ने शायद उनको चंदा दिया, इसकी आगे की पुष्टि नहीं कि वो नाचे कि नहीं नाचे, लेकिन इसके लिए वो एग्री हो गए थे। और आखिरकार 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, आगे चलकर के उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। आज भी अलीगढ़ में वो विद्यमान है। न जाने कितने इंजीनियर, डॉक्टर, सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस आज केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम उस शिक्षण संस्थान से पढ़ करके रोशन कर रहे हैं। लेकिन अगर सर सैयद अहमद खान का ईगो हाई हुआ होता तो आज भारत में हजारों लाखों लोगों की शिक्षा बाधित हो गई होती। इसलिए जीवन में जब कोई लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य को पहुंचने तक जीवन में किसी हद तक जाना पड़े तो जाओ, लेकिन उस लक्ष्य से कभी विचलित ना हो। विडंबना इस बात की आज का युवा जो है, टीचर अगर कुछ समझाने के लिए कुछ बोल भी दे तो वो भी इतना ईगो में आ जाता है, दोबारा वो पूछेगा भी नहीं कुछ आपसे। ये वर्तमान की युवा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जिससे बचना है। माफी मांगना होगा तो कभी मैं मांग सकता हूं हाथ जोड़ के, मैं ही झुक सकता हूं अपने छात्रों के सामने, लेकिन जीवन में जो लक्ष्य सजाइए ना, उस लक्ष्य तक पहुंचिए। अपने तेवर, अभी क्या तेवर है आपका, क्या अहमियत है? यहां लाखों बच्चे पूरे भारत में जानते हैं, एक छींक पे खड़े रहते हैं, एक बार मिलने के लिए बेकरार रहते हैं, एक बार देख ही लूं सर आपको, तब तो कोई तेवर जीवन का ही नहीं है। आपको किस बात का तेवर, क्या कर डाला है जीवन में अभी आपने, इतना ईगो काहे का? तो जीवन में झुकना सीखिए। अकड़ उसमें होती है जो लट्ठा लट्ठेदार वृक्ष होते हैं,
जैसे ओक का वृक्ष होता है ना, ओ उसमें अकड़ होती है, जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुकना जानते हैं। जीवन में झुकना सीखिए, सौम्य बनिए, लेकिन लक्ष्य से विचलित मत होइए। हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा होगा, दशाम ऑफ लाइफ, जीवन का धर्मगीत, उसमें यही बताया गया है। एक ओक के वृक्ष के समान 100 वर्षों के जीवन से बने रहने पर उसके बाद सूखकर पत्ता विहीन होकर गिर जाने से बेहतर है कि 24 घंटे तक जीवित रहो, एक कुमुदिनी के फूल की तरह जीवित रहो। जब तक जीवित रहो, अपने द्वारा भी, अपने आसपास के अन्य लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेर के जाओ, ऐसा जीवन जियो। तो इसलिए लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, थोड़ा सा धैर्यवान बनिए, झुकना सीखिए, खुद पर कंट्रोल करिए, ईगो को नीचे करिए। कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो पाते हैं। यह जीवन में आपको महान बनाएगा। महान आप उससे बनते हैं कि अगला व्यक्ति अगर आपसे मिलने आए तो वो मिलकर आपको अपने आप को इंपॉर्टेंट ना दिखे, उसको यह ना लगे अगला व्यक्ति बहुत विशेष है, आप उससे मिलकर उसे विशेष बना दो, यह आपका बड़प्पन है। ठीक है, तो ये जीवन के कुछ मूल्य हैं जो हम कई बार संस्कारों में नहीं सीख पाते हैं। तो टीचर का काम सिर्फ विषय वस्तु को, सवालों को रटा देना नहीं है, सिखा देना नहीं है, जीवन जीने के कुछ मूल्य बताना भी है। तो मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं आज से नहीं पिछले कई वर्षों से इसको निभाता रहता हूं, चाहूंगा भी कि इससे किसी न किसी का जीवन जरूर बदलेगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे प्रशांत कुमार जी ने आया कि सर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है कि अपॉइंट, अगर इससे मैं नाराज हो जाऊं कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्यों सवाल पूछ रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी तो शुरू करूंगा, ये सवाल पहले आ गया है, जो टॉपिक पढ़ाता हूं उसको और क्लियर करूंगा। यही मुद्दा था उस दिन भी, जब पहले दिन मैंने कहा था थोड़ा ध्यान रखिए, इसलिए थोड़ा सा कायदे से धैर्य बना के पढ़िए, लक्ष्य तक जाइए। क्या है किसी को गुस्सा होना, नाराज होना, और आप लोग टीचर से ही गुस्सा हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं समझाता हूं आपको। अब इस पॉइंट में आपको बताया ही जाएगा कि पहला सवाल प्रधानमंत्री से यही पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा या अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा या मनोनयन होगा या उसकी नियुक्ति होगी। यह तब भी मैं बताता प्रशांत अगर आपका सवाल नहीं आता, यही मामला उस दिन भी था। धैर्य, पेशेंस। अब तो इतने सारे टॉपिक पढ़ा दिए, हर टॉपिक के बाद कुछ बचता ही नहीं, तीसरी भी नहीं बचेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का न तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है न ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, बल्कि उनकी नियुक्ति की जाती है, उनका अपॉइंटमेंट होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री बना दे, नहीं, जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री नहीं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 75, इसमें क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसे करेगा? जो बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा। और बहुमत दल का नेता का मतलब क्या हुआ कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम सीट 545 हो सकती है, तो 545 का आधा 272 लगभग ये बहुमत होगा, आधे से अधिक। तो जिस पार्टी को 272 सीटों से अधिक सीट प्राप्त हो जाए वो बहुमत दल वाली पार्टी कहलाएगी, और उस बहुमत दल वाली पार्टी में से सभी लोग मिलकर जिसे अपना नेता चुन देंगे, भारत का राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है। इसलिए जब कोई पूछे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। अगर फिर पूछे कि इसका मतलब है कि भारत का प्रधानमंत्री जिसे चाहे उसे भारत का राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, आंसर है नो। भारत का राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो बहुमत दल का नेता होता है। अब आपको हमसे पूछना चाहिए, जो हम पूछने ही नहीं देंगे, पहले बता देंगे, ये हमको आपसे पूछना चाहिए आपको हमसे कि सर अगर किसी पार्टी को अस्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो क्या होगा? यदि किसी पार्टी को अस्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो तो क्या होगा? तब भारत का राष्ट्रपति सबसे बड़ी वाली पार्टी में से सबसे बड़ी वाली पार्टी में से
किसी व्यक्ति को प्रधान मंत्री नियुक्त करेगा। अब हो सकता है किसी का सवाल यह आ जाए कि सर सबसे बड़ी वाली पार्टी क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हम लोग। सबसे बड़ी वाली पार्टी क्या है ये नहीं समझ पा रहे हैं। अरे मान लीजिए किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, हो सकता है कोई पार्टी 240 सीट पाए, कोई 192 सीट पाए, कोई 124 सीट पाए, कोई 200 सीट पाए। अब बताओ किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ, 272 का आंकड़ा किसी ने छुआ, नहीं छुआ। तो इन पार्टियों में से सबसे बड़ी पार्टी कौन है, ये 240 सीट पाने वाली। तो इसी पार्टी में से किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा। लेकिन जब इस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तो उस व्यक्ति को एक माह के भीतर सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा। एक माह के भीतर अपना बहुमत साबित करना होगा। इतना ही नहीं बल्कि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया और इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने तो यह भी कह दिया, यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है तो भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो संसद के बाहर के भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है। क्या संसद के बाहर के भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है? लेकिन जब इस तरीके से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो उसको दो शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। कौन सी दो शर्त सर? पहला, एक माह के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा और छह माह के भीतर उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक है। और कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल वैसे सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है, सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है, सामान्यतः 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब तक होता है जब तक लोकसभा में इनका बहुमत है। जब तक लोकसभा में इनका बहुमत है तब तक वास्तव में इनका कार्यकाल माना जाता है। ठीक है।
शपथ किसके समक्ष लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष। अपना पद छोड़ना चाहे तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। ठीक है, ये तो हो गई सामान्य बातें प्रधानमंत्री के संबंध में। राज्य के केस में जब राज्य पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना अभिषेक मिश्रा, राज्य में जब मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे राज्य के केस में क्या होगा। अभी राज्य पढ़ा नहीं रहे, अभी तो प्रधानमंत्री पढ़ा रहा हूं। जब मैं आपको मुख्यमंत्री पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा कि राज्य में कैसे होगा। हाँ, आराम से। पीएम बनने के लिए यह कहा गया है कि दोनों सदन का सदस्यता में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, चाहे निर्वाचित होके चाहे मनोनीत होके, दोनों की स्थितियों में। इसको नोट करके ओके बोलिए, ओके बोलिए, फिर मैं आपको प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों को बताता हूं। फिर आपको मैं प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों को बताता हूं। हो गया है, चलिए। 1997 के बाद मतलब भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो सदन के बाहर के भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है, लेकिन सदन के बाहर के किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा तो उसे एक महीने के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत भी साबित करना पड़ेगा और 6 महीने के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता भी प्राप्त कर लेनी होती है। अगर ये दोनों शर्त पूरा कर दिया तो प्रधानमंत्री बना रहेगा, नहीं तो अपना पद छोड़ देना होगा। अरे करेगा भाई, उसको जब ये कमांड होगा कि लोकसभा में उसकी पॉपुलैरिटी है, लोकसभा में इतने सांसद उसके पद पक्ष में आ सकते हैं, वो तो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है ना। गौरव, आप कैसे ये बताएंगे उस व्यक्ति का कैसे है? प्रधान राष्ट्रपति ऐसे ही व्यक्ति को बनाएगा जिस पर इसको विश्वास ऐसा रहेगा कि वह लोकसभा में अपना बहुमत साबित कर सकता है। चलिए, प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य, उनके कार्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मंत्रिपरिषद के संबंध में, मंत्रिपरिषद के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, राष्ट्रपति के संबंध में, और तीसरा है संसद के संबंध में, संसद के संबंध में। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री का पहला कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, फिर मंत्रिपरिषद में से गठन करेगा, दूसरा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करेगा, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करेगा। तीसरा मंत्री, पहला मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, दूसरा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करेगा, तीसरा मंत्रियों के बीच विभागों का फेरबदल करेगा। अभी समझाता हूं, मंत्रियों के बीच विभागों का फेरबदल करेगा
फेरबदल करेगा। चौथा, किसी भी मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट होकर उससे त्यागपत्र मांग सकता है। किसी भी किसी भी किसी भी मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट होकर उससे त्यागपत्र मांग सकता है। उससे त्यागपत्र मांग सकता है। और पांचवा, अपना त्यागपत्र देकर पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। अपने त्यागपत्र को देकर पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। और पांचवा काम है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। परिषद की अध्यक्षता करता है अध्यक्षता करता है। और प्रधानमंत्री के कार्य जो मंत्री परिषद के संबंध में होते हैं, प्रायः यही बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। गठबंधन दो तरीके से होता है। एक गठबंधन तो चुनाव पूर्व हो जाता है। अगर कोई चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ हो तो उसी गठबंधन वाली पार्टी को ही के बीच से ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यदि चुनाव के बाद गठबंधन हुआ है और गठबंधन करके बहुमत प्राप्त हो गया है और फिर अपना नेता चुन लिया जाएगा, तब राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। आलोक जी, तो मंत्री परिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की इतने कार्य हैं। पहला कार्य फिर से देखिए क्या है। जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, इसका पहला कार्य होगा क्या करेगा, ये मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। क्या होता है मंत्रिपरिषद, अब इसके वाले आगे वाले टॉपिक में समझाते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद क्या करेगा, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करेगा। लो भैया, तुम रक्षा मंत्री हो गए, तुम स्वास्थ्य मंत्री हो गए, तुम वित्त मंत्री हो गए, तुम विदेश मंत्री हो गए और तुम गृह मंत्री हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मंत्रालय जिसको दे दिया गया उसको फिर बदला नहीं जा सकता। अभी बीच में आपने देखा भी होगा कि मोदी जी की सरकार ने भी सभी विभागों के मंत्रालयों को फिर बदल किया था। तो प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, मंत्रियों के बीच विभागों का फिर बदल कर सकता है। और जिसको एक बार मंत्री उसने बना दिया, इसका मतलब वो ये नहीं हुआ कि हमेशा हमेशा के लिए मंत्री बन गया। किसी भी मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट होने पर कह देगा भैया त्याग पत्र लाओ और किनारे चलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और अगर मान लीजिए वह कह दे कि हम त्याग पत्र नहीं देंगे, तो जैसे वह राष्ट्रपति से कहकर तुम्हारी नियुक्ति कराया है, वैसे ही राष्ट्रपति से कहकर आपको बर्खास्त भी करा देगा। बात समझ में आ रही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। कौन मंत्री बनेगा और कौन मंत्री नहीं बनेगा, यह प्रधानमंत्री ही तय करता है। इसका मतलब यह है कोई व्यक्ति कब तक मंत्री बनेगा कब नहीं बनेगा, यह किसकी इच्छा पर है, व्यवहार में यह प्रधानमंत्री की ही इच्छा पर है। इसीलिए इनका तीसरा कार्य क्या है कि किसी भी मंत्री के कार्यों से असंतुष्ट होकर उससे त्यागपत्र मांग सकते हैं और त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति से कहकर उसे बर्खास्त करा देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने त्यागपत्र को देकर वह पूरे के पूरे मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। इसीलिए एक बार परीक्षा में सवाल पूछा गया, मंत्री परिषद का जीवन और मरण का केंद्र किसे कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि मंत्री परिषद के
मंत्री परिषद के जीवन एवं मरण का केंद्र किसे कहा जाता है? मंत्री परिषद के जीवन और मरण का केंद्र किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को ही कहा जाता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी की पूरी मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, कैसे प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्री परिषद कैसे समाप्त करेगा? अगर कोई मंत्री त्यागपत्र दे तो क्या होगा? कोई मंत्री त्यागपत्र देगा तो मंत्री परिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल उस व्यक्ति का पद खाली होगा जो बाद में चुनाव करा के भर लिया जाएगा। फिर से बताइए क्या बोला आपने? हमने ये बोला कि भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरे के पूरे मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। आपने फिर हमसे पूछा, ये सब पूछ नहीं रहे, मैं आपका सवाल खुद ही उठाता हूं। फिर आपने हमसे पूछा अगर मंत्री त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा? अगर कोई मंत्री अपना त्यागपत्र देगा तो पूरी की पूरी मंत्री परिषद नहीं, मंत्री परिषद के आकार पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, बस केवल उसका पद खाली होगा। अब एक एग्जाम्पल देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्लास में हम प्रधानमंत्री हैं, तो आप कहेंगे हम लोग फिर क्या है? आप लोग मंत्री हैं, आप लोग क्या है? मंत्री हैं। हम क्या है? प्रधानमंत्री हैं। अगर हम अभी इस स्टेज से उतर जाएं और जाकर बेड पे सो जाएं, माइक निकाल के बगल रख दें, इस क्लास का क्या होगा? पूरी की पूरी क्लासें समाप्त हो जाएगी। आप मोबाइल लिए बैठे रहिए, ये टीम यहां बैठकर लाइव करती रहे, और हम अगर स्टेज छोड़ दिए तो पूरी की पूरी क्लास समाप्त हो जाएगी। कोई बच्चा कहे अगर हम छोड़ दिए तो? आपके छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके छोड़ने से केवल एक बच्चे का एडमिशन कम हो जाएगा, कोई दूसरे बच्चे का एडमिशन करके भर लिया जाएगा। तो आप हैं मंत्री, हम हैं प्रधानमंत्री, जो फर्क क्लास में दिखा वही फर्क यहां भी दिखेगा। उसी प्रकार से भारत का प्रधानमंत्री त्यागपत्र देकर पूरे के पूरे मंत्री परिषद को समाप्त कर देगा, लेकिन अगर कोई मंत्री त्यागपत्र देगा तो मंत्री परिषद के आकार में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसका पद खाली होगा जो बाद में चुनाव करके भर लिया जाएगा। आपको बनना है प्रधानमंत्री, टीचर बनना है, पढ़ाना है लोगों को, ठीक है? निधि कुमारी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ कई बार एग्जाम में प्री में सवाल पूछा जाता है कि मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है, वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति नहीं होता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सारा प्री का सवाल यहीं से आएगा, ये जितने पॉइंट मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, अब बताते हैं राष्ट्रपति के संबंध में इनका क्या कार्य है। राष्ट्रपति के संबंध में आप यूं कह सकते हैं कि महान्यायवादी सीएजी, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग, मंत्री, मानवाधिकार आयोग, इन सब की नियुक्तियों में, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है। इसमें राज्यपाल भी शामिल कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल कर सकते हैं। इन सब की फिलहाल क्यों मत शामिल करी, कितु अपने विवेक से करेगा। इन सब की नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, इसके अलावा संघ से संबंधित प्रशासनिक और विधायी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराता है।
संघ से संबंधित प्रशासनिक एवं विधायी सूचनाओं से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। और कभी कभी आपके एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का सेतु कहा जाता है। सेतु मतलब जानते हैं क्या होता है, हिंदी में आएगा, पर्यायवाची में काम आ जाएगा। सेतु का मतलब होता है पुल। और भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का पुल कहा जाता है, क्योंकि मंत्री परिषद की बातों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का जो संवाद करने का जो मुख्य कड़ी है वह प्रधानमंत्री ही होता है। हो सकती है भाई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो होती है, कब से जुड़े भाई अरुण मिश्रा, तो पहले ही बता दिए। अभिषेक मिश्रा जी ऐसा है तो कहिए, मैं मुस्कुराता ही रहूं क्लास में पूरे। चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। वीडियो रुक गया है, अच्छा। आवाज जा रही है, नरेंद्र विक्रम सिंह अब जा रही होगी ना, अभी सही हो गया भैया, प्रिंसिपाल गौरव कुमार गौतम, नरेंद्र विक्रम वंदना, सही हो गया ना। चलिए रुका है तो चलेगा ही एक ना एक दिन। तो चलिए, ये राष्ट्रपति के संबंध में हो गया और ये संसद के संबंध में अब देखते हैं। ये सबसे अंतिम बात कि संसद के संबंध में इनका क्या कार्य है। संसद के संबंध में केवल दो ही कार्य है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा का विघटन करा सकता है। साथ ही साथ सत्र का अवसान करा सकता है। और तीसरा काम, सत्र को आहूत कर सकता है। ये तीन काम है और सरकार की नीतियों के समक्ष रखता है। इसको नोट करिए, फिर आगे के कुछ और दो पॉइंट लिखाते हैं। अच्छा अरुण मिश्रा, जब लेट से आए तभी तो आप पुरानी बातें पूछ रहे हैं, तो बताया है भाई, क्लास मिलेगी तो आप देखिएगा, सब बताया गया है।
हो गया। डोज पूरा हो गया, बस यही पूरा करेंगे, हमको पता है, क्योंकि देखिए हम डेढ़ घंटा क्लास थोड़ा खींच के पढ़ाते हैं, खींच का मतलब लगातार पढ़ाते हैं, और डेढ़ घंटे का डोज दो घंटे का हो जाता है, इसलिए दिमाग थक जाता है। एक अंतिम बात बता के समाप्त करेंगे क्लास आज की। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री क्या करता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। ये फैक्चुअल तौर पे कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अब कार्यपालिका में आपके चार टॉपिक समाप्त हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री। कल पढ़ाएंगे केंद्रीय मंत्री परिषद और राज्यपाल। कल संडे है, मतलब कि मंडे को, तो घटना चक्र उठाइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और महान्यायवादी और सीएजी के क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, ठीक है। होमवर्क के तौर पर राष्ट्रपतियों का क्रम, उपराष्ट्रपतियों का क्रम, प्रधानमंत्रियों का क्रम, कौन से मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो प्रधानमंत्री भी बने, कौन से उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जो राष्ट्रपति भी बने, ये आपका होमवर्क है, इसको आप तैयार करेंगे और उसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन फंस जाए तो हमको से पूछ सकते हैं आप लोग। सर, मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करते हैं? अभी ये बताया ही नहीं है, प्रसाद कुमार। अब तो ये अगले टॉपिक में है ना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, फिर दोबारा ध्यान नहीं रख पाए, कोई बात नहीं, अभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पढ़ाएंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आपको ये भी बताया जाएगा कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है, कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा और संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, ये दोनों बातें किस आर्टिकल में लिखी गई है ये बताया जाएगा, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है, कल की क्लास में बताया जाएगा। जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा बचेगा ही नहीं, हम क्लास में चर्चा ना करें, हो ही नहीं पाएगा। आप उस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे होंगे, आप थोड़े बहुत आयाम सोच पाएंगे, हम उस टॉपिक को 100 times पढ़ा चुके हैं, तो हमें तो ये पता है कि इस टॉपिक में कौन सी चीज बच्चों को जानने वाली है, क्या क्या इसमें बताना है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आए और उसकी चर्चा ही ना की जाए, वो बताया ही जाएगा। वो बस अलग ये हो सकता है कि आप पहले उसको जानना चाह रहे हैं, उसका मौका भी ना आया हो, मौका आएगा तो वो आपको बताया ही जाएगा, बगैर बताए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। मस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। अब देखिए भैया, अभिषेक मिश्रा ने एक सवाल किया है, सर क्या भारत का महान्यायवादी संसद द्वारा जितनी भी समितियां बनती हैं उस समितियों का अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है, अध्यक्ष नहीं। मैंने जब महान्यायवादी पढ़ाया था तो यही बाईं तरफ यही पे लिखा था ना कि महान्यायवादी का एक विशेषाधिकार यह भी है कि वह संसदीय समितियों का सदस्य बनाया जा सकता है। अध्यक्ष बनेगा या नहीं यह निर्भर करता है लोकसभा स्पीकर पे कि वो बनाता है या नहीं। अब मजा आने लगा अरुण मिश्रा, बहुत बढ़िया, समझ गए भैया अभिषेक मिश्रा, क्लियर हो गया आपका। संसदीय समितियों का सदस्य बन सकता है, यह इसका विशेषाधिकार है। अध्यक्ष बनेगा ये स्पीकर पर निर्भर करता है, अगर बना देगा तो बन ही जाएगा, जो सदस्य बन सकता है वो अध्यक्ष तो बन ही सकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।